अभी तोड़ के लाया हूँ उस पेड़ से, ठीक है? रुको रुको, थोड़ा सा खा लो यार बस। इसने क्या, कैमरामैन ने जल्दी चालू कर दिया, बस खत्म होने वाला। और यकीन मानो, आज की वीडियो है ना, सभी के काम की होने वाली, इसीलिए सभी लोग इसे पूरा और ध्यान से देखना। खा रहा हूँ, ठीक है? पुआ खा गया। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है। तो गाइस यार, ये है वो चीज, देखो, ये है फ्लैक्स टेप। तो गाइस यार, इंडिया के अंदर बहुत कम ही लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, और इसे बनाने वाली कंपनी ये दावा करती है कि इस टेप की मदद से आप किसी भी तरह की वाटर लीकिंग को आसानी से रोक सकते हैं। अगर आपकी बाल्टी के अंदर छेद हो गया, इसे लगा दो, काम हो जाएगा। टंकी के अंदर खड्डा हो गया, इसे लगा दो, काम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका टेस्ट लेंगे कि क्या ये सही में काम करती है या फिर नहीं, और अगर काम करती है तो किस तरीके से करती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस टंकी के अंदर, बाल्टी के अंदर पहले से ही छेद कर रखा है। तो चलो इसके अंदर पहले पानी भरते हैं। भरो गाइस, इस टेप की खास बात ये है कि इसके अंदर से, मतलब कि इंस्टेंटली अपन वाटर लीकिंग को रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ से पानी निकल रहा है, तो मैं इसका इस बात का इंतजार नहीं करूंगा कि ये पानी खाली होगा या फिर तब इसे रोकेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली फ्लैक्स टेप लूंगा। बस रुक जाओ, मैं क्या है, फ्लैक्स टेप लूंगा। देखो इस तरीके की आती है, देखो बस इतनी सी है। ये थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन अगर आपकी इतनी बड़ी टंकी या फिर कोई बड़ी जो घर पे पानी की टंकी होती है वो फूट जाए, तो उससे, मतलब कि आपको बताया कि प्लास्टिक की होने की वजह से वो रिपेयर भी नहीं होती है, तो उसे फेंकने की बजाय ये लगा दो, काम हो जाएगा। कंपनी तो यही कहती है। अब रियलिटी के अंदर टेस्ट लेते हैं। और गाइस यार, इसका जो एड है ना फ्लैक्स टेप का, वो बहुत ही ज़्यादा जोरदार है, और इसे जो चिपकाने का तरीका है वो भी अपने आप में ही काफ़ी ज़ोरदार है। इसे नॉर्मल टेप की तरह नहीं लगाया जाता है। एक सेकेंड, वो कैंची लेके आ जाए। तो ये देखो कैंची आ गई। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके इतना सा हिस्सा फ्लैक्स टेप के अंदर से काट लेता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने इतना सा हिस्सा यहाँ पे काट लिया है। काटो, फिर अपन क्या करते हैं, इसके एक साइड में और यहाँ पर पन्नी आती है, उसे भी अपने को हटाना होता है, तो उसे भी हटा देते हैं। ये रही, देखो ये रही। भरते जाओ पानी, फुल भरो, जल्दी जल्दी भरो, और मैं इसे चिपकाने वाला हूँ, ठीक है? चलती हुई बाल्टी के अंदर इसे चिपकाएंगे। 1 2 3 बैंग। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, यहाँ पर छेद है, मैंने इधर की साइड ज्यादा लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसने बाल्टी को किस तरीके से सील कर दिया है। बाल्टी फुल भरी हुई है, देखो ऊपर से देखो, और कितना बड़ा छेद था, इसे भी इस टेप ने आसानी से रोक लिया है। देखो वाव, मतलब लाइव, मतलब पानी निकल रहा है किसी बड़े पाइप के अंदर से, पाइप फूट गया। फ्लैक्स टेप लो, फट, एड के अंदर भी ऐसे है, बस हाथ में लो, ऐसे लगा दो, फट से, और ये चिपक गई लाइव आपके सामने। देखो जरा सा भी पानी इसके अंदर से लीक नहीं हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी और इतने इफेक्टिव तरीके से काम करेगी, जबकि हल्की सी टेप लगी है यहाँ पे, देखो। तो चलो इसे थोड़े से और बड़े लेवल पे ट्राई करते हैं, ठीक है? बड़ी टंकी के साथ में भी इसे ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस इस बार आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़ी टंकी है, ये बिल्कुल सही सलामत है। तो चलो पहले इसके अंदर छेद करते हैं, और उसके बाद में इसे चिपकाने की कोशिश करते हैं। कर दो छेद, कर दो बस, मिट्टी निकल गया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस बार जो छेद है ना भाई, ये सच में बहुत बड़ा है, और इसे रिपेयर करना, प्लास्टिक की इसे रिपेयर करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसे या तो फेंको या फिर बेच दो या फिर कबाड़ में पड़ी रहने दो। तो चलो इसके अंदर पानी भरते हैं, और फिर देखते हैं कि इस टेप की मदद से अपन इसे भी चिपका पाते हैं, इसे भी सील कर पाते हैं या फिर नहीं। तो चलो पानी की मोटर चलाते हैं और सीधा इस टंकी के अंदर भरते हैं। गाइस कुएं से सीधा पानी आ रहा है, ये टंकी भरती है, जब तक मैं आपको कुआं दिखाता हूँ, ठीक है? इधर से आ जाओ, जो हमारा कुआं है ना गाइस, वो भी सच में बहुत गहरा है। इधर से आ जाओ, और वो जो मैं अमरूद खा रहा था ना गाइस, वो मैंने सीधा पेड़ से ही तोड़ा था, वो देखो वो रहा अमरूद का पेड़, वहां से मैंने इसे तोड़ा था। और ये देखो यार, चिड़ियाओं के घोंसले देखो यहाँ पे, क्या बात है। आपको शहरों के अंदर ऐसे घोंसले अभी देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अभी कुआं देखो, ओ भाई हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। ओ गाइस बहुत गहरा है यार, आपको बता रहा हूँ, मैं तो देखता रहता हूँ, बाकी इसके अंदर मैं भी ज्यादा नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है और इसके अंदर चक्कर आते हैं। बाकी अभी टंकी भरने वाली है, तो वापस चलते हैं। गाइस यहाँ तक टंकी भर गई है, और कुछ ही देर के अंदर इसके अंदर पानी लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। पानी भरने वाला है, बस इसे साइड में रख देते हैं। बाल्टी कहाँ गई,
गाइज अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बाल्टी भरी हुई है और इसके अंदर से पानी बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है। ये देखो अभी तक भी वैसी की वैसी भरी हुई है, ठीक है, देखो। ऑलराइट गाइज, तो आप देख सकते हैं कि जो टंकी है उसके अंदर से भी पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी और भरने देते हैं और जो प्रेशर है, जो लीकिंग का प्रेशर है, उसे फुल तेज होने देते हैं और देखते हैं कि इतने प्रेशर के अंदर भी हमारी जो फ्लेक्स टेप है ये काम करती है या फिर नहीं। थोड़ा और भरने देते हैं, विक्रम ने पकड़ रखा है, ठीक है, हटा दे हाथ, लगाते हैं हम, ठीक है। गाइज आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है ना तो बहुत बड़ा हो खोल हो गया वो, मैंने थोड़ी सी गलत लगा दी गाइज, यहाँ पर देखो बिल्कुल यहीं पे लगा दी थी मैंने, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसने पानी को रोक लिया है। एक काम करते हैं, फिर से उखाड़ते हैं, हट जाओ, फिर से उखाड़ते हैं, एक बार फिर से लगाते हैं, देखते हैं कि अब भी ये काम करती है या फिर नहीं, है ना। इट वर्क्स गाइस, देखो इतनी बड़ी टंकी का प्रेशर है और ये काम कर गई, जबकि हल्की सी किनोर इसके टच हो रही है उसके बावजूद भी इसने इस टंकी के पानी के प्रेशर को रोक लिया है। देखो क्या बात है, ऑसम। तो गाइज यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जब आप इसका इस्तेमाल करें तो हमने तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ बाहर की साइड टेप लगाया, अगर आपको करना हो तो पहले अंदर से लगा दीजिएगा और फिर बाहर से लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा जहाँ तक मैंने देखा है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।